आप लोग गाइज ये सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे खड़े होकर कर क्या रही हूँ, तो गाइज ये आप लोगों को पता होगा, ये जो चीज़ है ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है। किसके लिए आप लोगों को पता है गाइज? ये ह्यूमन बींग के लिए बहुत ही डेंजरस चीज़ है। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये छोटा सा ही तो मस्क्यूटो है, ये हमारा क्या बिगाड़ सकता है, लेकिन गाइज मैं यहाँ पे बता दूँ, कोविड जैसे कोरोना वायरस आप लोगों का थ्रू एयर कंटैक्ट से वन पर्सन से दूसरे पर्सन को स्प्रेड होता है, ऐसे ही गाइज मलेरिया एक ऐसा डिजीज है जो कि फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन किससे स्प्रेड होता है, थ्रू दिस मस्क्यूटो गाइज। ये छोटा सा मस्क्यूटो, छोटा सा इंसेक्ट जो है वो क्या करता है ना, इट टेक्स ब्लड फ्रॉम वन अनहेल्दी इन्फेक्टेड बॉडी एंड गिव्स द ब्लड टू द अनदर हेल्दी इंडिविजुअल सो दैट इट ट्रांसफर्स। क्या ट्रांसफर करता है यहाँ पे गाइज? मलेरियल पैरासाइट को ट्रांसफर करता है। लेकिन गाइज आप लोगों को क्या पता है कि हम लोग जो टेस्ट करते हैं, ये जो टेस्ट होता है मलेरिया का टेस्ट, ये कितने प्रकार का होता है और उसके हम लोग क्या क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपी में कैसे दिखते हैं और माइक्रोस्कोपी के लिए हम लोगों को कैसा सैंपल चाहिए, तो आप लोगों को आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं पूरा कि हाउ टू प्रिपेयर द स्मियर, थिक स्मियर एज वेल एज थीन स्मियर फॉर आइडेंटिफाइंग द मलेरियल पैरासाइट। तो गाइज चलिए चलते हैं विदाउट एनी डिले, सो स्टार्ट करते हैं। लेकिन गाइज अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना ताकि जब भी मैं एक नया सा अपडेट दूँ आप लोगों के पास जल्दी जाके पहुँच जाए। तो फिर चलिए चलते हैं गाइज, आज हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ पढ़ेंगे कि हम लोगों को कैसे स्मियर प्रिपरेशन करना चाहिए फॉर आइडेंटिफाइंग मलेरियल पैरासाइट। क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा जैसे कि डिफरेंशियल काउंट डीसी के लिए आप लोग टोंग सेप्ड बना लेते हो थीन स्मियर, ताकि उसके बाद आप लोग क्या करते हो उसमें से आप लोग व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स को आइडेंटिफाई करते हो। लेकिन गाइज यहाँ पे व्हेन यू आर कंडक्टिंग द मलेरियल टेस्ट, व्हेन यू आर कंडक्टिंग द मलेरियल माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, देन यू हैव टू प्रिपेयर द थिक स्मियर। और थिक स्मियर के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होता है, और हम लोग उसी स्लाइड पे लेते हैं या फिर कुछ दूसरा स्लाइड लेते हैं, चलिए उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आप लोगों को गाइस ये पूरा बता दूंगी, क्योंकि ये सीरीज में स्टार्ट की हूँ तो स्टार्टिंग की हूँ कि स्मियर प्रिपेरेशन कैसे करते हैं, हम लोग एंड करेंगे उसको कि टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी के साथ साथ टाइप्स ऑफ आइडेंटिफाइंग मलेरियल पैरासाइट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उसके बाद पूरा स्टेनिंग प्रोसीजर से लेके हम लोग एंड तक पूरा बात करेंगे। और इस वीडियो के सीरीज जब खत्म हो जाएगा तो आप लोगों को मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि मलेरियल जो जैसे कि प्लाज्मोडियम फाल्सिफरम हो गया, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स हो गया, प्लाज्मोडियम मलेरी हो गया, उसका ट्रोफोजर्ड सेज, स्कीजॉन स्टेज, गैमेटोस्टाइट स्टेज, ये सारा चीज़ें आप लोगों को बहुत ही अच्छे से आ जाएंगे। तो ठीक है, तो फिर चलिए चलते हैं आज का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे बनाते हैं थिक स्मियर एज वेल एज थिन स्मियर फॉर आइडेंटिफाइंग द मलेरियल पैरासाइट। चूज करना है सेकंड और थर्ड फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड जो कि सही होता है फिंगर प्रिक के लिए, उसके बाद उसको कर्टन अल्कोहल साफ से हम लोग क्लीन कर लेंगे, और उसके बाद साइट ऑफ द पंक्चर जो होगा वो फिंगर का जो बल साइड होगा उससे होगा, और उसके बाद एंड नेक्स्ट द थर्ड स्टेप इज अलाउ द ब्लड कम अप ऑटोमेटिकली। इसका मतलब यह है कि उसको स्क्वीज मत करो, उसको मतलब ऑटोमेटिक ब्लड आने दो जैसे कि आप लोग देख सकते हो। उसके बाद फोर्थ स्टेप में आप लोगों को मिल जाएगा कि होल्ड द स्लाइड बाय द एजेस। ये जो स्लाइड है हम लोगों को पहले तो ऑयल क्लीन ग्रीज फ्री स्लाइड लेना चाहिए, उसका जो एजेस को टच करके उसको होल्ड करना चाहिए ताकि हम लोगों का हमारे हैंड में कुछ भी अगर लगा होगा तो स्लाइड के ऊपर से ना आ जाए, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो फिफ्थ स्टेप होता है, टच द ड्रॉप ऑफ द ब्लड विथ ए क्लीन स्लाइड, द ड्रॉप्स आर कलेक्टेड फॉर प्रिपेयरिंग द थिक स्मियर। थिक स्मियर के लिए पहले आप लोग एक ड्रॉप ब्लड ले लीजिए क्लीन स्लाइड में, उसके बाद थीन स्मियर के लिए नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा। सिक्स स्टेप में टच अनदर न्यू ड्रॉप ऑफ ब्लड, जहाँ पर आप लोगों को बनाना है थीन स्मियर उसके लिए कैसा ब्लड लेना है जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आप लोगों का आ जाए कि वो जो थिक स्मियर के लिए आप लोगों ने लिया है ब्लड, ड्रॉप ऑफ ब्लड, उसको क्या करना है अनदर, जैसे कि आप लोग बोल सकते हो उसको स्प्रेडर बोल सकते हो, या फिर एक अदर जो स्लाइड होगा उसके एज के साथ
उसको क्या करना है, उसको स्प्रेड कर देना है सर्कुलर शेप, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो वैसे सर्कुलर शेप बनाना है। जैसे कि इसमें से इसका फ़ायदा ये होता है कि मल्टीपल लेयर्स इसमें रहता है, तो अगर कहीं ना कहीं अगर बहुत ही कम अमाउंट में पैरासाइट भी होगा ना गाइज, इसके अंदर में स्टेनिंग के बाद पूरा पता चल जाएगा। तो इसीलिए हम लोग थिक स्मियर लेते हैं, क्योंकि थिन स्मियर है हम लोगों का सिंगल लेयर ऑफ सेल्स रहेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हमारा थिक स्मियर लेंगे हम, वहाँ पे मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स रहेगा, इसीलिए हम लोगों को बहुत ही इजी हो जाएगा फॉर डिटेक्टिंग द पैरासाइट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट स्टेप जो होगा स्प्रेड द, जैसे कि हम लोगों ने स्प्रेड कर ही दिया है, और नेक्स्ट स्टेप पर हम लोग बात करेंगे ब्रिंग द एज ऑफ द स्लाइड कैरिंग द सेकेंड ड्रॉप ऑफ ब्लड, यानी सेकेंड ड्रॉप ऑफ ब्लड हम लोगों ने जो लिया है वो जो थिन स्मियर में हम लोग थिन स्मियर बना लेना है, ठीक है। उसके बाद उसको कैसे बनाना है, 45 डिग्री एंगल में, जैसे कि हम लोग डिफरेंशियल काउंट डीसी काउंट में हम लोग बनाते थे स्मियर, वैसे ही रैपिडली, ठीक है, रैपिडली उसको क्या करना है ना, 45 डिग्री एंगल में उसको होल्ड करके थिन स्मियर हम लोगों का बना देना है। और उसके बाद फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप लोगों को ये करना है, आप लोगों को यूज़ करना है यहाँ पे लीड का एक पेंसिल, उस पर आप लोगों को क्या करना है, जो थिन स्मियर रहेगा जहाँ पे हम लोग मलेरिया को आइडेंटिफाई करेंगे, मलेरिया पैरासाइट को आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा मलेरिया पैरासाइट है, इसीलिए हम लोगों को क्या करना है ना, उसके जो नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर ओपीडी नंबर, इसको क्या करना है ना, थिन स्मियर का जो आप लोगों का मोटा सा हिस्सा रहेगा स्टार्टिंग का, उसमें से जहाँ पे आप लोगों का थिक सेक्शन रहता है उस पर हम लोग क्या करेंगे ना, वो पेंसिल में उसका नाम रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर डेट कुछ भी आप लोग चाहो तो उस पर लिख सकते हो, और उसके बाद उसको ड्राई करने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। ये होता है प्रोसीजर। और जो लैंसेट है हम लोगों ने, जिससे हम लोगों का फिंगर जो है प्रिक किया है, उसको क्या करना है, सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन में डाल देना है। उसके बाद फिंगर प्रिक हो गया है, स्मियर प्रिपरेशन भी हो गया है, लेकिन यहाँ पर प्रिकॉशन लेने वाली बात ये है कि आप लोगों ने जो ब्लड फिल्म बनाया, आप लोगों ने जो स्मियर बनाया, क्या वो सही है, उसको ड्राई करने के टाइम पर आप लोगों को क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, चलिए उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉमन फॉल्ट इन मेकिंग ब्लड फिल्म्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि रॉन्गली पोजिशन ब्लड फिल्म्स, जैसे केयरफुली ब्लड ड्रॉप्स लेने चाहिए, जिसके बाद आप लोगों को थिक स्मियर भी बनाना है और उसी स्लाइड पे आप लोगों को थिन स्मियर भी बनाना है, इसीलिए उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा पोजिशन ऑफ द ब्लड फिल्म। नेक्स्ट बात ये है एक्सेस ब्लड, अगर आप लोग थिन स्मियर या फिर थिक स्मियर के लिए एक्सेस ब्लड भी ले लेते हो ना, उसके वजह से क्या हो जाएगा, आप लोगों का जो स्मियर है, आपको जो फिल्म है, ब्लड फिल्म है, वो क्या हो जाएगा, अच्छे से नहीं होगा, एक्सेस ब्लड के वजह से वो स्टेनिंग ज़्यादा हो जाएगा, वो ज़्यादा डार्क ब्लू दिखेगा बैकग्राउंड, तो उसके वजह से हम लोग पैरासाइट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का टू लिटिल ब्लड भी अगर लेते हो, उसमें से भी प्रॉब्लम होगा, अगर आप लोग टू लिटिल ब्लड लोगे तो यहाँ पे बहुत सारे आरबीसीज नहीं रहेंगे थिक फिल्म में, तो इसीलिए पता भी नहीं चलेगा, स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन हो नहीं पाएगा कि पैरासाइट कितना है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है बहुत ही कॉमनली जो लोग आप करते हो, जो कि स्लाइड में डिपेंड करता है, ब्लड फिल्म्स स्प्रेड ऑन ए ग्रीजी स्लाइड, अगर वो स्लाइड जो है वो ग्रीजी रहेगा, ऑयल फ्री नहीं रहेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा ना, बहुत ही एग्जामिनेशन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ब्लड फिल्म, तो इसी वजह से क्या हो जाएगा, एग्जामिनेशन वेरी डिफ़िकल्ट हो जाएगा स्टेनिंग के बाद, ठीक है। तो उसके बाद और भी बहुत सारे मिसलेनियस फॉल्ट हो सकते हैं, जैसे कि एज ऑफ स्प्रेडर स्लाइड चीप्ड, इसका मतलब जिस स्प्रेडर से, और हम लोग बोल सकते हैं कि दूसरे स्लाइड हम लोगों ने जो लिया उसको स्प्रेड करने में, वो थिक स्मियर बनाने में, थिन स्मियर बनाने में, वो स्प्रेडर वाला स्लाइड अगर अनइवन हो, चीप्ड हो, तो फिर क्या हो जाएगा ना, वो स्मियर सही नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है कि रॉन्गली प्रिपेयर्ड और प्लेस्ड ब्लड ड्रॉप, अगर आप लोगों ने थिक स्मियर को, जैसे कि आप लोगों का जितना डिस्टेंस होना चाहिए आप लोगों का एजेस ऑफ द स्लाइड से, या फिर थिन स्मियर कौन से साइड पे लेना है, अगर आप लोग ऐसा को सही नहीं करते हो, देन इसके बदले में भी आप लोगों का स्मियर क्या हो जाएगा, वो भी कहीं पे बहुत ही लार्ज हो जाएगा, या फिर बहुत ही प्रॉब्लम होगा, या फिर वस हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का और क्या क्या फॉल्ट हो सकते हैं, जैसे कि आप लोग उसको ड्राई कर रहे हो, ठीक है, तो ड्राई करने के पहले टाइम पे हम लोगों को ध्यान देना है कि अगर मतलब जैसे कि आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत ही नया सा वर्ड है, आर्टिफैक्ट्स क्या होता है, तो इसमें मतलब होता है कि हम लोग माइक्रोस्कोप में जब देखते हैं, हम लोगों को सेल के अलावा, पैरासाइट के अलावा कुछ अदर चीज़ें भी दिखाई देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफैक्ट्स।
जो कॉमनली होता है, जैसे कि अगर आप लोग स्लाइड को ड्राई करने के लिए छोड़ दिए हो और उसमें से कोई भी फ्लाइज, कॉकरोच, एंट वगैरह वो ब्लड को आके खा गए हैं, या फिर ब्लड के ऊपर चल के चले गए हैं, या फिर कोई भी डस्ट पार्टिकल जो है वो स्लाइड के ऊपर आ गया है, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट होता है कि अगर उसको हम लोग अच्छे से ड्राई ना करके उसके बाद स्टेनिंग कर दिए हैं, तो भी ये भी एक कॉमनली फॉल्ट होता है, ठीक है। हो जाए कि ऑटो फिक्सेशन हो जाता है। ऑटो मीन्स सेल्फ। सेल्फ फिक्सेशन कब हो जाएगा, अगर आप लोग मतलब स्मीयर बना लिए हो लेकिन स्टेनिंग के लिए आप लोग 4-5 दिन 6 दिन उसको विदाउट स्टेनिंग रखे हो ऐसे ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, थ्रू एक्सपोजर टू हीट वो क्या हो जाएगा, वो थिक फिल्म जो है वो ऑटो फिक्सेशन हो जाएगा, जिसके वजह से रिजल्ट जो हो वो सेटिस्फेक्ट्री रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। रैपर है, जो पेपर है जिसमें से आप लोग फोल्ड करके उस स्मीयर को भेज रहे हो, उसमें से लग जाएगा अगर वो सही से ड्राई नहीं होगा तो। इसीलिए ध्यान देना है कि स्मीयर शुड बी वेल ड्राइड बिफोर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ये सारे चीज़ें आप लोगों को ध्यान लेना चाहिए फॉर मेकिंग और प्रिपेयरिंग ए आइडियल ब्लड थिक एंड थीन स्मीयर फॉर डिटेक्टिंग एनी पैरासाइट, मेनली मलेरियल पैरासाइट। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मैं बताने वाली हूँ अभी, कि थिक स्मीयर हम लोग क्यों करते हैं, थिन स्मीयर क्यों करते हैं, ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है गाइज। तो थिक स्मीयर हम लोग इसीलिए करते हैं, यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स रहते हैं जिसमें से थोड़ा सा भी पैरासाइट होगा अगर हम लोग उसको पहचान पाएंगे तो। इसीलिए मेनली हम लोग क्या करते हैं, जानने के लिए कि इसके अंदर, ये पेशेंट के अंदर, ये सैंपल के अंदर पैरासाइट है या फिर नहीं है, उसको जानने के लिए हम लोग थिक स्मीयर करते हैं। जबकि हम लोग उसी थिक स्मीयर में अगर पॉजिटिव आता है, हम लोगों को दिखाई देता है मलेरियल पैरासाइट, तो हम लोग तुरंत चले जाते हैं थिन स्मीयर के पास। तो थिन स्मीयर में हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं उसका ट्रोफोजाइट स्टेज, उसका स्कीजोंड स्टेज, उसका गैमेटोसाइट स्टेज। तो ये सारे जो स्टेजेस होते हैं, मेनली रिंग स्टेज होता है, तो ये सारे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम के, प्लाज्मोडियम मलेरिया के, ये सारा जो होता है वो डिफरेंट होता है। इसीलिए उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग थिन स्मीयर यूज़ करते हैं। और बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे स्टेनिंग के बारे में, एंड फाइनली हम लोग माइक्रोस्कोपी में देखेंगे कि क्या कैसा डिफरेंस होता है ट्रोफोजाइट स्टेज, स्कीजोंड स्टेज, फैल्सिफेरम का रिंग स्टेज होता है, और वाइवैक्स का जो आप लोगों का ट्रोफोजाइट स्टेज होता है कॉमनली दिखाई देता है, उसका कैसे आप लोग पहचानोगे माइक्रोस्कोप में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, आप लोग सब्सक्राइब कर लो अगर नए आए हो तो, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी कर लेना, ठीक है। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो, माई इंस्टाग्राम आईडी इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, थैंक यू।